माया नगरी मुंबई में हर रोज लाखों लोग आते हैं अपने सपनों की उड़ान भरने, और इसी को लेकर एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम है ड्रीम सिटी मुंबई। हम आपको बता दें, ये फिल्म फरवरी साल 2018 में रिलीज होने वाली है। तो इसी सिलसिले में हमारी टीम ने इस फिल्म के स्टार कास्ट के साथ खास बातचीत की। आइए जानते हैं इस मूवी के बारे में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। काफी अच्छे लोग थे, डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर हमारे फैज सर, शिवम सर, मेरी को आर्टिस्ट रितिका, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत। शी इज़ वेरी सपोर्टिव। वो पहले एक्सपीरियंस थे, उन्होंने एक दो फिल्म्स की हुई थी, मेरी पहली फिल्म थी एज अ लीड, तो आपको थोड़ा प्रेशर होता है, तो शी हैज़ सपोर्टेड मी इन ऑल दैट। आपका नाम? मेरा नाम रेहान खान है। रेहान, इस फिल्म में मुंबई ड्रीम में आपने गाना गाया? जी जी जी। किस तरह का एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गाना है। और जैसा कि नाम है मुंबई ड्रीम, तो मेरा ड्रीम था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, और बहुत अच्छा लगा फैज सर ने मेरा साथ दिया, और मैं फरजान फैज के अंडर डायरेक्शन में मैंने गाना गाया, बहुत अच्छा गाना है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ वो गाना, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा वेट। गाने की लाइन है, सिर्फ लाइन बताऊँगा, अभी गाऊँगा नहीं, बावस्ती। तो बहुत अच्छा गाना है, बहुत रोमांटिक सॉन्ग है, आप सबको पसंद आएगा। मैं इसमें हीरो के फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ। किस तरह की मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, फैमिली हर वर्ग को देखने वाली ये मूवी है। तो इसमें एस्पिरेशन है एक फादर की, और जो एक सपने देखता है, तो वो सपने उसके पूरे नहीं, वो अपने बच्चे में देखता है, तो बाद में फिर अपने बेटे को साकार करता उसके अपने सपने अपने। मेरा नाम निवेदिता सिंह चंदेल है, और मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। इस फिल्म में किस तरह किरदार है आपका? मेरा कैरेक्टर जो है वो एक मॉडल का है, और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, बट थोड़ा सस्पेंस पे है, जो कि आप लोग देखेंगे तो ही आप लोग को मालूम होगा। क्या सस्पेंस? एक लाइन बताना चाहिए। एक मॉडल का क्या कैरेक्टर होता है? ये सारी टीम के साथ बहुत अच्छा लगा वर्क करके, और मैं ऑलरेडी इनके साथ पहले भी वर्क कर चुकी हूँ, मूवी कर चुकी हूँ, एक लव के फंडे, और बाकी दो मूवियाँ और हैं जो कि मैं इन लोग के साथ, इस टीम के साथ ऑलरेडी कर रही हूँ। उन मूवी का नाम थोड़ा सा अभी सस्पेंस पे अगर रखेंगे तो इट्स अ बेटर।